नमस्कार, सरकारी योजना में आप सभी को स्वागत है। अभी अभी बिहार बोर्ड द्वारा एक न्यू लिंक जो है जारी किया है, जिस लिंक के माध्यम से आप लोग इंटर का डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड जो है आप लोग आसानी से अपने मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे मैं आप लोगों को पता है कि बिहार बोर्ड द्वारा दो बार लिंक जारी किया गया, लेकिन दोनों बार जो है लिंक रैश कर गया। काफ़ी सारे छात्र एवं छात्राओं ने जो है अपना डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड नहीं डाउनलोड कर पाए हैं। तो इस वीडियो में मैं एक ऐसा साइट से जो है मैं डाउनलोड करके दिखाने वाला हूँ, जो कि आप लोग आसानी से अपने मोबाइल फ़ोन में जो है स्टेप बाई स्टेप जो आप लोग डाउनलोड कर पाएंगे। उसी कंडीशन में जो आप लोग से डाउनलोड होगा, आप लोग को जो है इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप जो है शुरू से लेकर लास्ट तक देखना होगा, उसके बाद जो है आप लोग से डाउनलोड होगा। अगर आप लोग एक भी स्टेप मिस्टेक करते हैं तो आप लोग से जो है शायद डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड को जो है आप लोग डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। चलिए मैं फटाफट से लाइव प्रूफ के साथ में डाउनलोड करके मैं दिखा देता हूँ, क्योंकि जो है आप लोग अभी अभी जो है फटाफट से अपना डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड जो है डाउनलोड कर लीजिए। अगर आप लोग से नहीं हो रहा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक मैं दे दिया हूँ, उसमें आप ज्वाइन हो जाइए और वीडियो के नीचे जो है अपना डिटेल भेज दीजिए। मैं आप लोगों की डाउनलोड करके टेलीग्राम में आप लोग को सेंड कर दूंगा, आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले जो आप लोग का डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले जो आप लोग को क्या करना है, अपना क्रोम ब्राउजर को जो है फ्रेश कर देना है, यानी कि 3 डॉट पर क्लिक करना है। और यहाँ पर जो आप लोग को क्या करना है, सेटिंग पर जो आप लोग को क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग सेटिंग पर क्लिक करेंगे, आप लोग को ऊपर की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर जो प्राइवेसी का जो आप लोग को ऑप्शन दिख जाएगा, इस पर जो आप लोग को क्लिक करना है। उसके बाद जो यहाँ पर जो है क्लियर ब्राउज डाटा जो है दिख रहा है, इस पर जो आप लोग क्लिक करके दे, यहाँ पर क्लियर डाटा पर जैसे आप लोग क्लिक करेंगे यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा, क्लियर डाटा कर सकते हैं। उसके बाद जो आप लोग को डाउनलोड करने में कोई भी दिक्कत जो यहाँ पर डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड को डाउनलोड करने के लिए अपने फोन में कोई सा ब्राउजर को ओपन कर देना है और आप लोगों की सर्च टाइप में लिखना है parikshanews.com लिखकर जो है आप लोगों की सर्च कर देना है। जैसे आप लोग सर्च करेंगे इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। आपको क्या करना है, 3 डॉट पर क्लिक करना है और डेस्कटॉप साइट को जो है टिक कर लेना है। आप लोग को डेस्कटॉप साइट को जो है देखते रहना है, टिक है या नहीं है आप लोग को हमेशा देखते रहना, अन्यथा जो आप लोग डाउनलोड नहीं कर पाएंगे अगर डेस्कटॉप साइट को ओपन नहीं कीजिएगा। तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर देखने को मिल जाएगा बिहार बोर्ड मैट्रिक इंटर डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड 2022, इस पर जो आप लोग को क्लिक कर देना है। अगर एड्स आएगा तो क्लोज कर देना है। जैसे आपको ऊपर की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है। अब जैसे आप लोग नीचे आएंगे तो यहाँ पर जो आप लोग को देखने को मिल जाएगा 12th डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड डाउनलोड। तो आपको क्या करना है, सर्वर 1 पर जो आप लोग को क्लिक करना है। यहाँ पर दो लिंक को जो यहाँ पर एक्टिवेट किया गया। उसके बाद जो आप लोग को क्या करना है, क्लिक हेयर टू डाउनलोड डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड 2020-22, इस पर जो आप लोग को क्लिक कर देना। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करेंगे इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। आपको क्या पढ़ाई में आपको आते हैं डाउट, तो 5 सेकंड में डाउट नेट के साथ करो ना आउट। बस अपने सवाल का फोटो खींचो, करो करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। फिर चाहे आपका सवाल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी का हो, CBSE, UP, महाराष्ट्र या अन्य स्टेट बोर्ड का हो, यहाँ तक कि कक्षा 6 से बढ़ भी IIT, JEE, NEET का सवाल हो, सभी सवालों का वीडियो सोल्यूशन बस 5 सेकंड में मिलेंगे डाउट नेट ऐप पर। इसके साथ ही डाउट नेट पर चल रही है इंडिया की नंबर 1 डेली ऑनलाइन वीडियो क्लासेस, वो भी इंग्लिश और हिंदी मीडियम में, जहाँ पूरा कोर्स पढ़ाया जा रहा है। तो आज ही जाकर इन क्रोसेस का हिस्सा बनिए और डॉट नेट ऐप इंस्टॉल कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपको क्या करना है, सेलेक्ट ऑल कॉलेज स्कूल, इस पर जो आप लोग को सिंपल सा टाइप कर देना है। उसके बाद अपना स्कूल का कोड जो है डाल देना है, जो भी आप लोग का स्कूल का कोड होगा डाल देना है। मैं एक स्टूडेंट का डाउनलोड करके मैं दिखा रहा हूँ लाइव प्रूफ के साथ। जैसे डालेंगे यहाँ पर कॉलेज आ जाएगा, कॉलेज सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अपना स्ट्रीम जो भी आर्ट साइंस कॉमर्स होगा यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जो है नाम लिखते वक्त जो है आप लोग को ध्यान देना है, आपको जो है ABCD के बड़े अक्षर में यानी कि कैपिटल लेटर में जो आप लोग को नाम लिखना है, तभी जो है आप लोग से डाउनलोड होगा। उसके बाद जो है आप लोग को डेट ऑफ बर्थ में अपना डेट ऑफ बर्थ जो भी होगा यहाँ पर डाल देना है। तो मैं यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ जो है डाल देता हूँ। उसके बाद मैं लाइव प्रूफ में चेक करके मैं आप लोग के सामने में दिखा रहा हूँ। उसके बाद जो है आप लोग को क्या करना है, व्यू पर जो है क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग व्यू पर क्लिक करेंगे इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। अगर आपका जो है नो रिकॉर्ड फंड दिखता है तो आप लोग जो है सही से नाम डेट ऑफ बर्थ जो है फिलअप नहीं कर रहे। उसके बाद जो है यहाँ पर टिक कर देना है। अभी जो यहाँ पर फटाफट डाउनलोड हो रहा है। उसके बाद जो डाउनलोड रिपोर्ट पर जैसे आप लोग क्लिक करेंगे यहाँ पर आप लोग का डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड जो है डाउनलोड होकर ओपन हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर देख सकते हैं सारा बायोडाटा जो यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जैसे मैं यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 2020-22। तो आप लोग इस प्रकार से जो है आप लोग डाउनलोड करेंगे तो आप लोग से डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से आप लोग प्रिंट ले सकते हैं, अपना फोन में जो है सेव कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वंदे मातरम।